राज भाई आप बताएं। हम भाई हम आपको एक और चीज दिखाते हैं, बहुत ही मजे की चीज है ये मोन्स्टेरा सुसानी। मोन्स्टेरा सुसानी का आपने पौधा देखा होगा, ये जी मोन्स्टेरा है जी। इसकी एक ये छली तकरीबन 30,000 रुपए की, इसका 100-200 रेट है यूएस। अच्छा, डॉलर में रेट है इसका 100-200 सुसानी मोन्स्टेरा इसे कहते हैं। और ये बहुत अच्छी होती है, इसके 7 फलों का जायका है माशाल्लाह। आप खाएंगे लीची आम इस तरह डिफरेंट आएंगे। अभी ये तैयार है ये? नहीं, अभी इसको थोड़ी देर और लगेगी, इसको महीना दो महीना लगेंगे तैयार होगा। इसका बहुत अच्छा जायका होता है, अगर इसको थोड़ा ज्यादा खाएं तो जो है मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ये बहुत बर इसका जायका बहुत अच्छा है। अच्छा, इसको फ्रूट सैलड भी कहते हैं। अच्छा, सुसानी अपना इसका नाम मोन्स्टेरा है। बाजी वाह, क्या बात है, ये भी अल्लाह पाक के, अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत नेमत है ये वाकई। क्या बात है, क्या बात है। आप ना जूम तब किया करें जी। फैज भाई अब आगे है, आप किसका हमें दर्शन करवा रहे हैं जी? अब हम आपको लेकर चल रहे हैं, हमारे पास चीकू का दरख्त लगा है, इस तरह के और भी लगे हैं पर वो दूसरी साइड पे हैं। अब जी हमारे पास आए हैं, वक्त की किल्लत है और हम आपको जो लगा हुआ है उसके आपको वक्त की आपके पास भी आप मसरूफ लोग हैं तो हम आपको दिखाते हैं चीकू की। अभी ये चीकू का दरख्त है हमारे पास, ये देखें चीकू लगा हुआ है। चीकू तो माशाल्लाह फल लगा हुआ है इसके साथ, इसके साथ फल लगा हुआ है। और इसके हमारे पास छोटे छोटे पौधे भी हैं, थैली के अंदर भी हैं, गमले के अंदर भी। आपको जितने चाहिए हो आप हमसे राबता कर सकते हैं, हम आपको बेचेंगे। हमने फ्रोक्स करने के लिए भी रखे हैं। और जब इसको एंड में मसाला लगा के पकाया जाता है, ये ऊपर भी पक जाता है पर ऊपर काफ़ी देर से पकता है, जैसे आम पकता है ऊपर इस तरह ये लेट पकता है। और इसको जो है मसाला लगाते हैं हम पेटी में डाल के। चलें जी, जी फैज भाई अब आप क्या करवा रहे हैं हमें इन्फॉर्मेशन वीडियो? ये अब हम आपको लेके जा रहे हैं लुगाड़ के दरख्त की तरफ। हमारे पास लुगाड़ का बाग लगा हुआ है, माशाल्लाह। आपको लुगाड़ का बाग अपना विजिट करवाते हैं। ये देखें नीचे, हमने ऊपर से पिछले साल ना हमने लुगाड़ नीचे उतारी थी जी, हमने जी। बेचते भी हैं, हमने देखें फोटो हो रही है मेरी जी। अपना मार्च अप्रैल के करीब जाके पके गए फूल है इसके, देखे कितने प्यारे फूल है और खुशबू भी आ रही है जी, खुशबू भी आ रही है। ये देखिए हम नीचे पनीरी, इसके जो गिरे थे ना पिछले साल बीज जी, ये उनकी पनीरी है ये। हम इसको थैले में शिफ्ट करवा देते हैं, ये यहाँ से इधर तैयार होकर बेच देते हैं हम कुछ। इस तरह ही लोग ले जाते हैं, गाची लगती है इसको। आप आइएगा किसी दिन टाइम निकाल के, हम इसको आपको जब ये बेचेंगे हम आपको बुलाएंगे, दावत देंगे, आप हमें हमारे पास आइएगा, टाइम दीजिएगा आप हमें, हम आपको दिखाएंगे इसकी, जब आपको फ्रूट भी इसका चेक करवाएंगे। ये जी मार्च अप्रैल के करीब जाके इसने तैयार होना है, फ्रूट ने पकना है, इसने फ्रूट देना, तब हम आपको खिलाएंगे। बहुत अच्छा जायका होता है लुगाट का जी, थोड़ा सा तुर्श भी होता है जायका और मीठा भी होता है इसका, मिक्स जायका होता है जी। ये ना आप वीडियो बनाए दोस्तों, कैसा आप मिक्स वीडियो बना रहे हैं आप जी। जी फैज भाई अब क्या दिखा रहे हैं आप नाजरीन को? लेके आए हो किनारी एंथस पाम की तरफ। ये किनारी एंथस पाम है, इसके अंदर ये टाली हो गई है जी, ये टाली हो गई है इसके अंदर। ये किनारी एंथस पाम है और इसके जो है इसके पत्ते भी बिकते हैं, सेल होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा खजूर की तरह के पत्ते होते हैं, वो अपना डेकोरेशन पीस की तरफ लगे होते तरह लगे होते हैं। ये डेकोरेशन में भी इस्तेमाल होते हैं और घरों में लोग बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। ये छोटा बच्चा है और इसका बच्चे का रेट भी कम होता है, लोग घरों में लगाते हैं। कम से कम 8-10 फुट का जब होता है तो बहुत ही यूनिक एक चीज़ आती है और एक बहुत खूबसूरत लगता है। घर में लोग गार्डन के अंदर इसको लगाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। जी फैज भाई अब क्या दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को? पांडा दिखाने लगा हूँ, ये पांडे का हमारे पास बच्चा पड़ा है, हमने वो अपने जहाँ खाली ज़मीन देखी हम वहाँ ये पांडा शिफ्ट करेंगे। अगर किसी भाई को चाहिए हमारे पास ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पड़ा हुआ है, हम उनको भी प्रोवाइड कर देंगे। ये पांडा है और आपको मैं इसके दिखाता हूँ कटिंग हुई हुई, 3 स्टेप भी दिखाता हूँ, इसका फुटबॉल भी बनते हैं। ये पांडा घरों में और अपना आप रोड पे देखे होंगे, आपने शादी वालों के बाहर देखे होंगे, अंदर देखें ये आउटडोर और इंडोर दोनों तरह का पौधा है। घरों के कमरे में भी लग सकता है, ये गमले के अंदर हम रखा हुआ है। दिखाएं जरा हमें, दिखाता हूँ, आइए जी मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ पांडे की फसल जी। जी फैज भाई जी तो अब हम आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये पांडा का हमारे पास वो जो आप दिखा रहे थे उधर हमें जी जी जी, जी ये जामुन का पौधा है, ये लगा हुआ था, हमने इसको काट दिया। ये देखें पांडा है, ये देखें 1-2-3-4 ये 4 स्टेप ही हमारे पास पौधा है पांडे का। और आप इसको देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, इसकी कटिंग हुई थी रिसेंट 15-20 दिन पहले, अब फिर इसकी कटिंग होने वाली है। कटिंग जब होती है उसके बाद ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, इसकी कटिंग करवानी पड़ती है। और अब हम इसकी फिर कटिंग करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि कटिंग होते भी दिखाएंगे कि कैसी होती है। ये इस तरह है नाजरीन, इनके पास ना सेल के लिए रखा हुआ है, ये देख सकते हैं 2 स्टेप है ये
ये देखें हमारे पास टू स्टेप भी है, थ्री स्टेप भी है, इसके अंदर देखें थ्री स्टेप भी है पौधे। जी जी, हमने इसको गाची लगवा के रखा हुआ है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो हमसे रब्ता करें। और अपना अरहम भाई, प्यारे भाई हैं हमारे, बहुत ज़्यादा अजीज भाई हैं। और ये हमारा जो नंबर है आपकी स्क्रीन पर डाल देंगे। नाजरीन, जैसे ये गमले में लगा हुआ है पांडा, ये देख सकते हैं आप, देख ही रहे होंगे। देखे नाजरीन, ये भी पांडा लगा हुआ है, ये तीन स्टेप का पौधा है। इसमें सिंगल स्टेप जैसे फुटबॉल करते हैं, इसमें सिंगल स्टेप भी हमारे पास फुटबॉल करते हैं, तीन स्टेप है। ये भी तैयार हो रहा है, जब तैयार हो, अभी ये थोड़े दिनों में तैयार हो जाएगा, फिर हम आपको तैयार होकर भी दिखाएंगे। और ये जो तैयार हुआ हुआ पौधा है उसकी हमने कीमत रखी है 2500 रुपया, 25 से 25। और जो आपकी वीडियो के तवस्त आएगा हमारे पास, हम उसके साथ खसूसी मोहब्बत करेंगे। और ये वो है जो हमने जो छोटा आपको थैली में दिखाया था, उसको पहले थैली से लगाते हैं, बड़ा करते हैं, तैयार करते हैं। ये 2 साल में जाके इस पॉइंट पे आके तैयार होता है। अभी ये हमारे पास जो है पौधा है, ये 1.5 साल का पौधा है, 2 साल में तैयार होगा। ये जितना बड़ा होता रहता है उतना ये ज़्यादा खूबसूरत होता जाता है। इसकी कटिंग के सार पर होता है, जितना अच्छा इसकी कटिंग करेंगे उतना ही खूबसूरत लगेगा। जाके लाल पांडे के ज़मीन में लगे हुए पौधे दिखाते हैं, ये देखें ज़मीन में लगे हुए हैं, ये देखें, ये देखें पांडे के पौधे लगे हुए हैं हमारे पास ज़मीन में। और यहाँ फसल में पानी लगा हुआ है, तो ये यहाँ पानी लगा हुआ है, देखें इसके अंदर थ्री स्टेप भी हैं, फुटबॉल भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। ये सेमी मिनिएचर कोने भी जिसे कहते हैं, कोने भी हैं, ये देखें। आज जी हम आपको और विजिट करवाते हैं। ये फुटबॉल तो बना हुआ है, ये देखें नाजरीन, ये देखें।